हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब उद्धव जी जो है भगवान की एक और सुंदर लीला का वर्णन आगे कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी जो है बताया गया कि भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए करना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाहते थे। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है भगवान जो है अनेक कार्य करते हैं, अनेक लीला करते हैं। इंद्र जो है ये भगवान का अच्छा भक्त है, ये भगवान का भक्त है, इसीलिए उनको ये पोस्ट है, वो ये भगवान के द्वारा कार्य करते हैं। पर जब हमें पोजीशन, हम भक्त भी होंगे, भक्त भी बनते हैं, तो जब पोजीशन मिल जाते हैं, जाता है और सब कुछ हमारे आदेश के अनुसार लोग कार्य करते हैं, तो फिर जो है ये घमंड और ईर्ष्या भगवान के प्रति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते। ऐसा नहीं है कि इस लीला में भगवान ने सिर्फ ब्रजवासियों की रक्षा की, पर इस लीला के द्वारा हमें ये भी शिक्षण मिलता है कि भगवान जो है हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते। जब वे देखते हैं कि जो उनका अच्छा भक्त घमंड और अविद्या या मिथ्या अहंकार से ग्रस्त हो गया है, तो भगवान जो है उनको पाठ पढ़ाना चाहते, वो पाठ पढ़ाते। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने नंद महाराज, ये बहुत ही सुंदर लीला है और इस लीला के द्वारा बहुत सारे शिक्षण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, तो उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाहों तथा गौओं की पूजा करें और आगे यहाँ पे श्री उद्धव जी जो विदुर जी से कह रहे हैं कि हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। अभी इंद्र को ने बड़े महान पोस्ट पे स्वर्ग के राजा, यहाँ पे एक छोटा सा गांव, उस गांव के कुछ लोगों ने बंद किया, लेकिन उसको वो भी जो है काटा, उसको चुगा,
उसको काटा चुगा, वो ऐसे ही होता है। और काटा चुगता है तो कभी वो इतना छोटा होता है, पूरे शरीर के प्रमाण से वो एक ऐसा छोटा सा कण, वो छोटा सा कण चुभता है तो पीड़ा बहुत, पूरा शरीर स्वास्थ्य, आंखें देख रहे हैं, कान को तकलीफ नहीं, नाक श्वास सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये काटा जो है चुभ गया। इस प्रकार से छोटी सी बात के ऊपर बड़ा जो है कष्ट हो जाता है। अगर देखा जाए तो शांत से अगर कोई बैठ के सोचेगा कि बात क्या थी, बात असल में कुछ भी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये काटा कहां से चुग गया। और इस प्रकार से जो है वो हमारे मन और बुद्धि को जो है पूरी तरह से घुमा लेता है, और हम जो है उसके कारण अहंकार क्रोध के वश में आ जाते हैं। जैसे कि इंद्र, इंद्र ने अपमानित हुआ, अपमान किया किसके साथ, भगवान के भक्त होते हुए जो है वो कह रहे हैं कि ये साधारण बालक कृष्ण इंद्र ब्रजवासियों को पाठ पढ़ाता है, अभी मैं उसको पाठ पढ़ाता हूं। अभी पाठ किसको पढ़ा रहा है वही तो आश्चर्य की बात है। तो उसने क्या किया, उसको रहा नहीं गया, उसने इतना भयानक संवर्तक बादलों को जो प्रलयकारी प्रलय के इतना उसको एक छोटा सा काटा चुग गया कि उसको सहन नहीं हुआ कि उसने ऐसे किया। पर देखिए भगवान की लीला, भगवान कितने शक्ति, अगर उनने कुछ साधारण बादल शायद भेज देते तो भगवान वो फिर भी सोचता था ना, अरे ये तो छोटा सा है, वो लोग बच गए, लेकिन सबसे भयानक प्रलयकारी, और यहाँ पे बताया है मूसलाधार, मूसलाधार मतलब क्या, मूसला मूसल तेज पानी गिरता, तेज पानी, लेकिन जैसे एक खंबे का एक जो जैसे कि धारा गिरती है इतनी पतली सी, कभी तो दिखता भी नहीं है कि बारिश आ रहा है, लेकिन एक एक जो बारिश की जो जो ये गिर रही थी लहरें नीचे, वो इतने जाड़े जैसे मूसलाधार खंबों के जैसा गिर रहे, बारिश बहुत जोर, पहले तो धीरे धीरे शुरू हो गया फिर और भी बढ़ गया। इस तरह गवों की भूमि, प्लैनेट ऑफ द काउज, ये भूमि किसकी है, गवों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, व्याकुल हो उठे ब्रज के जो वासी थे, और उन्होंने सोचा कि क्या करें, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, अचानक उत्सव हो गया, सब कुछ अच्छा, सब लोग अच्छी तरह से घर चल गए, चले गए, अच्छे से सब पूजा वगैरह हो गए, और जो है अचानक एक तूफान आ गया। हम भी देखते हैं हमारे जीवन में
कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक अच्छा से सूरज की रोशनी है, सब अच्छा से चल रहा है, अपना कार्य चल रहा है और अचानक जो है तूफान आ जाता है, तूफान आ जाता है और बहुत कठिन परिस्थिति में हम जो है डाल दिए जाते हैं। क्या करें, कहां जाए, कुछ समझ में नहीं आता। और कभी कभी कठिन परिस्थिति आ जाती है जब हम भक्ति में रहते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं। यहाँ पे ब्रजवासी भगवान के भक्त है, सब भगवान के साथ रह रहे हैं, पर तूफान तो आया, हम भक्ति करते हैं इस प्रकार से। जीवन में तूफान आता तो तुरंत मन में आता है कि अरे भगवान की भक्ति करना शुरू किया, अच्छा है, लेकिन अभी कहां से तूफान ही तूफान आया। और वो समय जो है सबसे कठिन अवस्था हो जाती है एक भक्त के लिए, और वो उस समय सोचता कि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है, हमारी भक्ति नहीं अच्छी, हम भक्ति नहीं कर सकते, भगवान किसी का देखते नहीं है, और फिर हमारी भक्ति जो है उस समय जो कमजोर हो जाती है, भगवान का स्मरण करना हम भूल जाते हैं। यही हालांकि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो भगवान के पास ही भागना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, सब जो है ब्रजवासी ग्वाल बाल और सब गोपियां जो भगवान के पास गए और कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाग। क्या कह रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा भयानक तूफान, कभी कभी ऐसा ही होता है। तो पहले तो हम अच्छे थे, देवताओं की पूजा कर रहे, देवी की पूजा कर रहे, कुछ नहीं, लेकिन अभी देखिए, और फिर चार पांच लोग भी ऐसे हो जाएंगे जो ऐसे नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है। पर इस परिस्थिति में सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे कि ब्रजवासियों ने किया कि उन्होंने जो है कहे कि हे कृष्ण, हे गो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा, त्वाम नाथम गोकुलम प्रभो, कृष्ण कृष्ण महाभागा, त्रातुम अर्हसि देवा, कुपिता भक्त वत्सल। इस प्रकार से हमें भगवान को संबोधित करना चाहिए, बहुत सुंदर रूप से जो ब्रजवासी है। ऐसे नहीं कि देखिए आपने बोला ना ये बंद करो, अभी देखो क्या हो गया, हम तुरंत ऐसे ही बोलते। अगर हम किसी, अगर कोई भक्त किसी को आदेश देते हैं कि ऐसा ये करो, अभी ये शुरू करो, और जब कुछ हो जाता है तो देखो आपने बोला मैंने किया, और देखो हमारी भक्ति डोलमोल तुरंत हो जाए। यहाँ पे जो विश्वास है उनका उदाहरण ये शिक्षण यही है, और भगवान ये भी साबित करना चाहते, बहुत सारी चीजें इस लीला में वर्णन किया जा रहा है कि कृष्ण कृष्ण महाभाग। गोपाल
गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इस गमों को उबारे, हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल है, कृपया आप हमें भी बचा ले। सुंदर रूप से ये कहते हैं श्रद्धा। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति में श्री नारायण उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे। तो पूर्ण विश्वास, अविश्य रक्षिबे कृष्णा, उसको कहते हैं शरणागत। और ऐसा जब तूफान आता है हमारे जीवन में तो हम सोचते हैं कृष्ण में कोई शक्ति नहीं, चलो उस बाबा के पास जाओ, इस योगी के पास जाओ, ये क्या कहते हैं ज्योतिष के पास जाओ, ये कौन सा जेम है, ये कौन सी शिला है, ये कौन सा तप है, ये कौन सा ऐसे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये तूफान बता के आएगा, अचानक आ जाएगा। तो वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था, कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। तो भगवान जो प्रेम मतलब शरणागति, पूर्णतया से भगवान की श्री चरण कमलों की, हे गिरिधारी, इसीलिए भगवान गिरिधारी है, वे जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपनी छत्र छाया में उनको शरण देते हैं। और हमें इस जीवन का जो क्लेश, ताप, तूफान से वो जो है हमें उनकी उस छत्र का छाया, छत्र की छाया में जो है वे अपन को रक्षा करते। तो भगवान ये भी दिखा देना चाहते थे कि जो है देवताओं की पूजा जो है वे जो है पूर्ण नहीं है, वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जैसे कि भगवान ने बताया है सातवें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवद गीता के, कि देवता की पूजा जो है अल्प बुद्धि वाले लोग, देवताओं की पूजा भगवान यहाँ पे बता रहे। 7.23 किसी के पास है पढ़ी, तो उनका Can't hear you.
अंतवत्तु फलम तेषा तद्भवत्यल्पा मेधसाम देवान् देव यजो यान्ति मत्भक्ता यान्ति ममापि. अर्थात तात्पर्य प्रभु लेखनी शब्द अनुवाद पढ़ो. अनुवाद है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं. देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं. हरे कृष्ण. यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अल्प बुद्धि वाले लोग, भगवान ये साबित करना चाहते कि देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है और भगवान ने क्या कहा. भगवान ने कहा कि इस वृक्ष की पूजा करो, इस भूमि, इस गो गोवर्धन, और उन्होंने जो है ये स्थापित कर कि आप लोग जो है इंद्र की पूजा, इंद्र को अपना कार्य करना है, उसे ऐसा नहीं लग लोभ रखना है कि हाँ अगर देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा. ये कौन सी ये है, तुम कार्यकर्ता हो, तुम अपने कार्यकर्ता का काम. तो भगवान ये बता, इस लीला के द्वारे भगवान ये बता रहे हैं कि जो कोई मेरा शरणागत है मैं उनकी रक्षा करूं. और भगवान यहाँ पे हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट बहुत जरूरी है भगवान में, भगवान के साथ का प्रति श्रद्धा और विश्वास. भगवान ने इस प्रकार से बताया कि कोई भी इमरजेंसी क्यों न हो भगवान वहां पे प्रस्तुत, सिर्फ अगर हम भगवान को ही, अगर हम अपने आप पे या दूसरों के ऊपर या अपने बल अपनी शक्ति से, तो फिर भगवान नहीं आएंगे. पूरी तरह से विश्वास से, हृदय से, अर्ध विश्वास नहीं, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारना है. और हमें यही जानना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, ये विश्वास बड़ी बात है. ये हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान की सुंदर लीलाओं से, और भगवान आते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. और जैसे बताया गया ये यथामाम प्रबद्धते, जितना हम, तो हमारे जीवन में कितना तूफान क्यों ना, हमें हमेशा गोविंद का ही स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए, कृष्ण को ही पुकारना चाहिए. जैसे कि ब्रजवासी क्यों, दूसरी बात ये है कि भगवान ने ये साबित कर दिया है कि वे कुछ भी कर सकते हैं. ये श्रद्धा होना जरूरी है कि भगवान जो कुछ भी कर सकते हैं. 7 साल की आयु उन्होंने ये पूरा पर्वत को ही उठा लिया. आज के दिन अगर हम उस पर्वत की परिक्रमा करने जाएंगे तो नाक में दम आ जाता है. 8-9 घंटे लग जाते हैं पूरे गोवर्धन परिक्रमा करने. ऐसे पर्वत जो अभी तो कलयुग के समय तो छोटा ही होता जा रहा है, पहले कितना विशाल पर्वत था.
तो भगवान अपनी भक्तों की रक्षा के लिए वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन में भगवान जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए. बेस्ट भगवान ने ये साबित किया. वो ही नहीं लेकिन उन्होंने कैसी रक्षा की, उन्होंने पर्वत को उठाकर अपनी बाएं हाथ, और भगवान कह रहे ऐसे रक्षा करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के ऊपर, और वो भी कितने दिन, 7 दिन और 7 रात मुसलेदार, अगर कोई उसके ऊपर इतना भारी भारी वजनदार बारिश, थोड़ा सा भी अगर ये तूफान आ जाए जोर से, विंडी सिटी शिकागो अभी उसमें जा देखो, अगर जैसा हवा आएगा कि हमको ही उड़ा दे, ऐसा हवा आता है, है? कुछ स्थान ऐसे भी जहां पे तूफान आता है, सब कुछ उठा के उखाड़ के रख देता है. भगवान ने ऐसे गोवर्धन को जो है सबसे कमजोर उंगली यही है अपने हाथ की, ये छोटी पिंकी है 5 उंगलियों में से सबसे वीक है वो, उस वीक उंगली के ऊपर भगवान अपनी शक्ति अपनी ऐश्वर्य हम जो हमारे विचार से परे है भगवान की जो शक्ति है, वी कैनॉट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. भगवान की जो शक्ति है वो हमारे समझ, और वे अपनी पूर्ण शक्ति पूर्णतया से अपने पूर्ण जो भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है हमेशा. और इस प्रकार से अनेक लीला करते हैं भगवान जो है, भगवान और भगवान के भक्त. बेस्ट सेल्फी, तो बेस्ट सेल्फी क्या है, भगवान और भगवान के, जो भगवान हमेशा चाहते. भगवान अकेले नहीं रहते, अकेली भक्ति नहीं होती है, भक्त के साथ सब साथ में. भगवान चाहते थे कि सब साथ में हो जाए, अपने प्रिय भक्तों को साथ में देखना चाहते, एक साथ उन्होंने सुंदर लीला की, गोवर्धन की लीला से अभी भगवान इस गोवर्धन लीला में भक्त भगवान को बुला रहे, कृष्णा कृष्णा. और आगे के श्लोक में जो है भगवान अपने भक्तों को बुला रहे अपनी बांसुरी बजा, इतना सुंदर यहाँ वे श्री सुखदेव गोस्वामी और उद्धव जी वर्णन कर रहे कि वर्षा की तृतीय ऋषि में भगवान ने स्त्रियों की सभी के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया. तो यहाँ पे भगवान अपने भक्तों को बुला रहे, कभी भगवान कभी भक्त भगवान को पुकारते हैं और बुलाते हैं, और कभी भगवान जो है पुकार के अपने भक्तों को अपने पास बुला देते हैं.
तो ये सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। गमों की भूमि, प्लैनेट ऑफ द काउस, वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों के को अपनी रासलीला द्वारा आनंदित किया। और इस प्रकार से यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक लिया। बहुत सुंदर रूप से जो उद्धव ने भगवान की सुंदर ब्रज लीला का वर्णन करते हुए यहाँ पे रोक दिया। अभी प्रवेश होगा अगले अध्याय में मथुरा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो श्री प्रभुपाद की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो सब भक्तों की जय। आप सबका बधाई हो। आज जो है हम सब ने जो है इस तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय को पूर्ण किया। पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण किया। और ये जो है भगवान की ही कृपा है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सबको बधाई हो। और कल से जो है हम जो है तीसरे अध्याय के में प्रवेश करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस।